वैसे महाराष्ट्र में अब ईवीएम राग भी शुरू हो चुका है। इस बार संजय राउत ने बात छेड़ी है, कहा है अमेरिका को देखो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए देर नहीं की। बीजेपी की ओर से कहा गया कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की हार तय है, लिहाजा अभी से ये लोग परेशान हो उठे हैं। जब अमेरिका जैसा हाईटेक और पैसे वाला देश बैलेट पेपर से चुनाव कराता है तो भारत को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ ईवीएम से ही वोटिंग कराने की जिद क्यों? बस इसी फिलॉसफी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ की जिद शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा ईवीएम पर भरोसा हो ही नहीं सकता। आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है वो बैलेट पेपर पर हो रहा है। अमेरिका जैसा देश आज बैलेट पेपर पर उनकी जनता अपना राष्ट्राध्यक्ष चुन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ईवीएम के ऊपर आज भी लोगों के मन में संदेह है, तो कैसे आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते? हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब तो ऐसे चुनावों की लंबी लिस्ट हो गई है जहां हार के बाद और कई बार तो चुनाव से पहले ही विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी कह रही है कि संजय राउत की मांग से स्पष्ट हो गया है कि महायुति ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, भविष्य उसे दिख गया है। यह सिद्ध हुआ है कि ईवीएम किसी प्रकार से भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बारंबार यह सिद्ध होने के बाद भी ईवीएम का रोना यह बता रहा है कि इनकी पराजय सुनिश्चित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ईवीएम से चुनाव को सही ठहराया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव की याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वोटिंग को बरकरार रखा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम में हेरफेर के आरोपों की जाँच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। चुनाव आयोग भी ईवीएम को हैक करने के अंदेशे को कई बार खारिज कर चुका है। कुछ साल पहले उसने ईवीएम हैक करके दिखाने का ओपन चैलेंज दिया था, लेकिन चैलेंज कबूल ने कोई पार्टी आगे नहीं आई थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।